स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे स्कूल स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठकर कंपटीशन लेवल के बारे में। और दोस्तों, कंपटीशन लेवल में आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के बारे में। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि राजस्थान प्रयोगशाला सहायक हर बार ये एग्जाम होता है और हर बार जो प्रयोगशाला सहायक के रूप में बहुत सारे बच्चों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ विज्ञान वर्ग में ही इसकी वैकेंसी, इसकी विज्ञप्ति जारी की जाती थी और प्रयोगशाला सहायक सिर्फ विज्ञान वर्ग के लिए चयनित किए जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब की बार कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा आर्ट्स यानी कि कला विभाग में भी इस प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आई है। और कला विभाग में एक है आपका भूगोल और दूसरा है आपका गृह विज्ञान, इन दोनों में प्रयोगशाला सहायक के रूप में विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसके आवेदन आप 25 मार्च 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं। दोस्तों, पहले अपन चर्चा करते हैं प्रयोगशाला सहायक होता क्या है। दोस्तों, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो लैब होगी, होम साइंस की जो लैब होगी, उस लैब में एक असिस्टेंट के रूप में, एक प्रोफेसर सहायक के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात करते हैं इसकी सैलरी की, वेतन कितना दिया जाएगा। दोस्तों, आपका वेतन होगा प्रवेश काल में 18,500। और जो इन हैंड जो सैलरी होगी, जो आपके हाथों में जो सैलरी आएगी, वो प्रवेश काल में 16,500 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 16,500। प्रवेश काल जो होता है वो कितने साल का होता है? 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष हो जाने पर फिर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 35,000 से 40,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। अच्छा, दूसरा अपन चर्चा करते हैं कि ये जो वैकेंसी है उसमें आवेदन कौन कर सकता है। दोस्तों, इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले विद्यार्थी को ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ पास की हुई होनी चाहिए। कौन सी क्लास? क्लास ट्वेल्थ पास की हुई होनी चाहिए। और उस ट्वेल्थ क्लास में जिस सब्जेक्ट से, चाहे वो भूगोल हो चाहे वो गृह विज्ञान हो, जिस सब्जेक्ट से वो फॉर्म लगाना चाहता है, आवेदन करना चाहता है, वो सब्जेक्ट उसके क्लास ट्वेल्थ में होना चाहिए। यानी जो चयनित सब्जेक्ट है वो उसके ट्वेल्थ क्लास में होना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज की बात आती है क्या कहीं पर? परसेंटेज की कुछ भी बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ पास आउट होना है, और वो भी कब तक? जून 2022 तक। अगर जून 2022 तक करंट सेशन में जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं उनका अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, उनके हाथ में अगर मार्कशीट आ जाती है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जून 2022 तक आपको डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए, परसेंटेज कुछ वैल्यू नहीं करती। परसेंटेज आपकी कितनी भी हो, आप पास होने चाहिए ट्वेल्थ में, या ट्वेल्थ के समकक्ष किसी भी जो सब्जेक्ट है उसमें आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपके पास में संबंधित विषय होने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो संबंधित विषय है, जैसे कि भूगोल की अपन बात करते हैं या गृह विज्ञान की बात करते हैं, कि इसमें एग्जाम जो होगा उसमें सिलेबस क्या आएगा। तो दोस्तों, आर्ट्स या आर्ट्स वालों के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं कैसे कह सकता हूँ, वो इसलिए कह सकता हूँ कि अगर आप भूगोल से फॉर्म अप्लाई करते हो या गृह विज्ञान से फॉर्म अप्लाई करते हो, तो आपका जो सिलेबस रहेगा, आपके जो एग्जाम होगी वो पूरी 300 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 300 नंबर की होगी, जिसमें आपके 100 नंबर का होगा राजस्थान जीके होगा, और 200 नंबर का होगा आपका जो सब्जेक्ट है, 200 नंबर का वो सब्जेक्ट आपका होगा। यानी कि 200 नंबर अगर आप ज्योग्राफी से अप्लाई कर रहे हो तो 200 नंबर आपकी ज्योग्राफी के होंगे, और 100 नंबर आपके राजस्थान जो इतिहास है, राजस्थान जो कल्चर है, उसके होंगे। अच्छा, ज्योग्राफी जो होगी वो आपके कौन सी होगी, किस लेवल की ज्योग्राफी होगी, किस लेवल की जो ज्योग्राफी आपको पढ़नी होगी, तो दोस्तों मुख्य बिंदु ये है, जैसे अभी जो है इस वैकेंसी का सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पहली बार, हर बार जैसे विज्ञान का जो है हर बार एग्जाम लिया जाता था, और हर बार एग्जाम जो होता था उसमें विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट के विषय होते थे, यानी कि 200 नंबर का जो सब्जेक्ट होता था वो में होता था। लेकिन ज्योग्राफी का अभी सिलेबस पहली बार एग्जाम हो रहा है, सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, तो सिलेबस क्या हो सकता है ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, एक तो पहली बात ये है कि जो साइंस वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सीधा सा लिखा हुआ आता है विज्ञान वर्ग।
यानी कि विज्ञान में आपकी बायोलॉजी भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, फिजिक्स भी आ गई, मैथमेटिक्स भी आ गई, ऑल ओवर साइंस। लेकिन अगर ज्योग्राफी की या होम साइंस की बात करें तो उसमें आपके जो प्रयोगशाला सहायक लिखा हुआ आ रहा है, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, यानी कि कुल मिला के आपका भूगोल का सिलेबस होने वाला है, भूगोल के सिलेबस या ग्रह विज्ञान के सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अच्छा, ये भूगोल और ये ग्रह विज्ञान जो सिलेबस है वो किस लेवल का होगा ये अभी अपन तय नहीं कर सकते। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी जब तक जो कॉलेज आयुक्तालय है, कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा अगर जब तक जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया जाता, तब तक आप 11th और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है, 11th और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो आप पढ़ सकते हैं, यानी कि 11th और 12th की ज्योग्राफी की तैयारी आप लोग कर सकते हो जब तक कि सिलेबस नहीं आता, क्योंकि आपके 200 नंबर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही सब्जेक्ट रखने वाले हैं, 11th और 12th की ज्योग्राफी। तो दोस्तों आपको इसकी तैयारी करनी होगी 11th और 12th ज्योग्राफी की, और 11th और 12th ज्योग्राफी करने के लिए आप तैयारी करने के लिए आपको किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हो। अब सेल्फ से मतलब है दोस्तों कि अगर अपन 11th की ज्योग्राफी की बात करें तो 11th में फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, और 12th में क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। क्लास 11th में क्या है, भौतिक भूगोल है, कौन सी भूगोल है, भौतिक भूगोल, और क्लास 12th में कौन सी है, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल 11th क्लास में है और 12th क्लास में मानव भूगोल है। तो आपको इसका जो भौतिक भूगोल है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको हर एक पॉइंट डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास में टाइम पूरे 3 महीने का है, आप हर एक पॉइंट को डिटेल से नहीं जान सकते, नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम आपके पास में नहीं है। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंस बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है, वो आपको एक रफली तरीके से समझना है और उनको अच्छी तरीके से आपको 11th की 12th की आप सेल्फ कर सकते हो। लेकिन क्लास 11th के लिए क्या होगा, आपको क्लास लेनी ही होगी, उसकी तैयारी के लिए कक्षा जो 11 की जो भूगोल है उसको आपको क्लास, उसकी क्लास आपको लेनी ही होगी। तो दोस्तों अगर आप क्लास लेना चाहते हैं और आप रेगुलर अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल से ही क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है वो यहाँ पर इसी चैनल पे क्लियर करवाई जाने वाली है, और मात्र बहुत ही कम समय में प्रत्येक चैप्टर का जो संक्षिप्त सारांश है वो आपको इस YouTube में वीडियो के माध्यम से करवाया जाना है, और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो भी यहाँ पर अपलोड करवाए जाने हैं। तो ये सब आपको अगर तैयारी करनी है, और आपको अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो तुरंत फॉर्म फिल करें और आज ही इसकी तैयारी में गहन रूप से जुट जाए, और क्लास 11th व क्लास 12th ज्योग्राफी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रही है मेरे साथ में लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक में नियुक्ति लेने के लिए। ओके दोस्तों, तो आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अब जो है वो अब कंटिन्यू इसमें जो क्लास अपलोड की जा रही है या की जाने वाली है उसे आप पढ़ने के लिए तत्पर भी, तैयार भी या एक्साइटेड भी होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।